के तहत की गई है। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सिरमौर थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस ओम प्रकाश द्वारा 2 दिन पूर्व थाना क्षेत्र के ग्राम बदराव से युवक को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से नशीली कफ सिरप सहित नशे की गोलियां पकड़ी गई थी। पूछताछ के दौरान यह नशे का सामान रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत का पाया गया है। तीसरी खबर आ रही है रायसेन से, जहां रायसेन के सुल्तानपुर में नगर परिषद की अनदेखी के चलते नदियों पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। सरकार लाख दावे करे लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण एवं प्राकृतिक स्रोत नदी तालाब वन आदि की सुरक्षा करना है एवं उनका संरक्षण करना होता है, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायसेन से राष्ट्रविद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राष्ट्रविद, रायसेन के सुल्तानपुर में नगर परिषद की अनदेखी के चलते नदियों पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है? कृतिका, मैं यहाँ पर बता दूं, ये रायसेन जिले के सुल्तानपुर नगर परिषद का मामला है। यहाँ पर जो है नगर परिषद सुल्तानपुर के नदी किनारे, पलकवती नदी किनारे करीब 30 दुकानें जो है बना दी गई हैं, जिसका जो है पुरजोर अब सुल्तानपुर नगर में हो रहा है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि वहां पर जो वकील है सुरेश श्रीवास्तव, उनने इसका पुरजोर विरोध किया है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकारें लाख दावे कर रही है कि आप नदियों को तालाबों को संरक्षित कर रहे हैं, उनको व्यवस्थित कर रहे हैं, उनकी साफ सफाई कर रहे हैं, बाकी ये बात सही भी देखने को मिल रही है। आप देखेंगे कि सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, करोड़ों रुपए उस पर खर्च होते हैं, लेकिन ऐसे में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान के सुल्तानपुर नगर परिषद का एक बड़ा अजीब और गरीब मामला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो है दुकानें बनाई गई है 30, और जिनसे लोगों को रोजगार मिलेगा, और जिनका पुरजोर अब विरोध भी हो रहा है, वहां के समाज सेवी कुछ जो है उसका विरोध कर रहा है। आपको यहाँ पर बता दूं निकिता कि एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है जो जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, इसका मकसद नदी तालाब और वन को सुरक्षा करना होता है। ये एक विभाग है, बड़ा विभाग है जो नदी नालों को, नदी और तालाबों को देखता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दें कि यहाँ पर पलकपति नदी किनारे नगर परिषद सुल्तानपुर द्वारा 30 दुकानें बना दी गई हैं। यहाँ पर काफी दिलचस्प मामला है। मेरी इस मामले को लेकर नगर परिषद सीएमओ अशोक कैथल से बात हुई है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि गलती हुई है, इसको सुधारा जाएगा और सुधार करेंगे, और डीपीआर बनाकर भेजा गया है। और उनमें सबसे खास तौर पर एक बात सामने आ रही है, हालांकि उनका साफ तौर पर सही कहना है, यहाँ के समझ में ये बात आती है, उनका यह कहना है कि जो जगह है वो एमपीआरडीसी के तहत आता है, और जब भी सड़क का निर्माण होगा और ये दुकानें हटा दी जाएंगी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 30 दुकानों का जो निर्माण किया है वो काफी, उनने जो बताया है वो कि कहीं ना कहीं वो खुशखबरी भी लेकर आया है। एक तरफ अगर मैं निकिता यहाँ पर बता दूं जो विरोध भी हो रहा है, दूसरी तरफ लेकिन उनका ऐसी के सीएमओ सुल्तानपुर अशोक कैथल का एसीएन भारत न्यूज का साफ तौर पर कहना है, उनसे उनके अशोक कैथल जो सीएमओ है सुल्तानपुर के, उनका उनकी एसीएन भारत न्यूज से बात हुई है। उनका कहना है कि जो 30 दुकानें जो बनाई गई हैं वो अस्थायी रूप से बनाई गई है, वो पक्की पक्का निर्माण उनका नहीं किया गया है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं अगर चूक हुई है तो उनका कहना है कि जो नगर परिषद सुल्तानपुर के अध्यक्ष है हेमराज मीणा, जनप्रतिनिधि है मतलब हेमराज मीणा जो है, उनका यही कहना है कि जरूरत पड़ी तो विभाग से बात कर लेंगे, और अगर जरूरत पड़े तो उस दुकान को हटा दिया जाएगा। लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारा भी साफ तौर पर यही कहना है कि नगर सुरक्षित कैसे हो, नगर को सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए, जिसको लेकर उन्होंने डीपीआर बनाकर कंप्लीट जो है 30 दुकानें निकाली गई है। एक लेकिन एक अच्छी पहल उनके द्वारा भी की जा सकती है, कही जा सकती है, क्योंकि उन्होंने 30 दुकानें जो बनाई है, उनका कहना है जो हाथ ठेले पे जो छोटे दुकानदार है जो ठेलों पर करते थे बेतरतीब और अस्थायी रूप से काम करते थे, जिसको खासी परेशानियों का नगरवासियों को सामना करना पड़ता था, अस्थायी रूप से वो बेतरतीब खड़े रहते थे जिससे आवाजाही में भी परेशानी होती थी। उनका यही बात बहुत समझ आती है कि जो 30 दुकानें निकाली गई हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अस्थायी दुकानों को जो है गरीब रोजगार के लिए दिया जाएगा, जिससे 30 परिवार जो है अच्छे से अपना
भरण पोषण कर सकें, लेकिन वहां पर उनका यही कहना है कि लेकिन गलत अगर हुआ है, लेकिन एक तरह से हम रोजगार भी दे रहे हैं, 30 परिवार रोजगार से लगेंगे, उनका साफ तौर पर यही कहना है। और जो है नगर जो है नगर का सौंदर्यीकरण होगा, नगर तो खूबसूरत भी किया जाएगा, लेकिन वही अपन बात अगर की जाए तो एनजीटी विभाग भी इसको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी तरफ अपन बात करें कि जीवन नदियां जो है नदी तालाब जीवन दायनी होते हैं, शहर हो चाहे कस्बा, उससे पूरे लोगों के रोजमर्रा जीवन से उसके कनेक्टिविटी होती है। सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करती हैं इससे, केंद्र सरकार भी खर्च करती है और राज्य सरकार भी इस पर खर्च करती है, लेकिन यहाँ पर दूसरी पहलू से अगर बात करें, जैसा कि दोनों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ रही हैं, सीएमओ अशोक कैसल से एशियन भारत न्यूज की बातचीत भी हुई है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं चूक हुई है तो कहीं हम रोजगार देने की बात भी कर रहे हैं। उनका कहना है 30 दुकानें जो बनाई गई हैं वो अस्थायी है, अस्थायी रूप से जो है बेरोजगार दुकानदारों को, छोटे छोटे दुकानदारों को रोजगार के लिए दी जाएंगे, जिससे खूबसूरती भी बढ़ेगी और उससे साफ तौर पर उनका यही कहना था कि इससे एक राजस्व भी बढ़ेगा, नगर परिषद का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, साफ सुथरा जो है नगर दिखेगा। लेकिन वही उनका साफ तौर पर यही मानना है कि एनजीटी नियम के खिलाफ जो है वो तो है, कहीं ना कहीं उनका कहना है अगर ऐसा लगेगा तो बातचीत कर ली जाएगी, समाधान उसका कर लिया जाएगा। लेकिन एमपीआरडीसी की उन्होंने जो बात कही है, उनका कहना है अगर सड़क कभी भी बनेगी तो वैसे ही उनको हटा दिया जाएगा, मतलब उनका साफ तौर पर यही कहना है एशियन भारत से कि अस्थायी बनाई गई है, अगर जरूरत पड़ेगी उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन रोजगार के लिए जो है उन्होंने वो 30 दुकानें बनाई है, उन्होंने यह भी कहा है, उनका ये भी कहना है कि एक तो खूबसूरती बढ़ी, खूबसूरती के साथ साथ नगर सुल्तानपुर खूबसूरत हुआ और उसके साथ जो है राजस्व भी नगर परिषद सुल्तानपुर को मिलेगा। रितिका जी, राशिद आपको क्या लगता है कि नगर परिषद नगर में सौंदर्यीकरण के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है? नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसा कि यहाँ पर जो समाज के भी है, जैसा कि नाम आ रहा है, मेरी उनसे बात करने की मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, वकील है सुरेश श्रीवास्तव, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनको नगर नदी के तालाब के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर एक जो है कुलबुला का दिखावा कर रहा है और ये नदियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनका साफ तौर पर यही कहना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, नसीतुली जो है प्रतिक्रिया जो है सुल्तानपुर की नगर की देखने को मिल रही है, एक तरफ विपक्ष से भी बात करने की एशियन भारत ने कोशिश की है, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया विपक्ष देने को तैयार नहीं है। लेकिन दोनों पहलू को समझना होगा, क्योंकि एक एनजीटी की जो बात अगर करें उनके विभाग के खिलाफ, तो ठीक है नहीं कर सकते काम, वहां से विकास नहीं किया जा सकता, लेकिन नगर परिषद सीएमओ जो अशोक कैथल है, उनका साफ तौर पर यह भी कहना था, उनने स्वीकार भी किया, उन्हें एक्सेप्ट किया तो सुधार किया जाएगा, टीपीआर बनाकर भेजा है, अस्थायी दुकानें इसलिए बनाई गई हैं, गुमटियां बनाकर रखी गई हैं, इस लोगों को रोजगार मिले, अगर जरूरत पड़ेगी तो बात की जाएगी। मतलब उनका साफ तौर पर यही कहना था कि गलती हुई है, बिना पूछे जो बिना विभाग के पूछे और उन्होंने जो एनजीटी के खिलाफ जो काम किया है, लेकिन उनका कहना है कि अध्यक्ष जी से बात हुई, उनका यही कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बात भी कर ली जाएगी। जी राशिद, सुरेश वकील का कहना है कि इस पर संबंधित विभाग ध्यान दे और उचित कार्रवाई करे, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई करने की संभावना जताई जा रही है? नहीं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मीडिया के संज्ञान में आने के बाद जो है सक्रियता बढ़ी है, कुछ विरोधी कुछ कह रहा है, रूलिंग पार्टी से जो है लोग वो अपने पक्ष रख रहे हैं कि नगर पालिका एक बहुत अच्छा काम कर रही है, विकास के काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल अगर आप बात करें तो वहां कुछ लोगों का प्रजोर जरूर भी इसका देखने को मिल रहा है, लेकिन 30 दुकानदारों को कहीं ना कहीं छोटे छोटे लोगों को वहां पर रोजगार भी मिल रहा है। एक तरफ अगर नियम विरुद्ध काम हुआ है, जीवन दायनी जो नदियों का जो है वहां नहीं होना चाहिए, वहां संरक्षण करना शासन प्रशासन का काम होता है, नहीं किया गया, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी बात हो रही है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अस्थायी दुकानें बनाई गई हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना। मेरी बहुत एशियन भारत न्यूज की बहुत देर तक दूरभाष से बात हुई है अशोक कैथल जी से, सीएमओ है नगर पालिका नगर परिषद सुल्तानपुर के, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर विभाग एनजीटी विभाग को लगेगा तो बिल्कुल हटा दिया जाएगा दुकान को, बिल्कुल दुकानों को हटा दिया जाएगा, उसमें बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उनका यह भी कहना है कि एमपीआरडीसी के खिलाफ के तहत जो जगह वो आ भी रही है, अगर सड़क बनेगी आगे कभी तो दुकानों को हटा दिया जाएगा, लेकिन उनका यह भी कहना है कि बेरोजगारी अधिक होने के चलते लोग परेशान है, छोटे छोटे दुकानदार हैं जो हाथ पले पे अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनको नगर उनका उनको ध्यान में रखते हुए जो है नगर परिषद सुल्तानपुर सीएमओ अशोक कैथल और उनकी टीम ने ये दुकानें तैयार की है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विरोध भी हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जीवन दाहिनी जो नदियों की बात की जाती है, अगर उसके आसपास उनको संरक्षित नहीं किया जाएगा तो ये भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन दोनों ही अपने अपने पहलू है, दोनों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जी राशिद, तो आपको बता दें कि ये खबर थी रायसेन से, जहां रायसेन के सुल्तानपुर में नगर परिषद के अनदेखी के चलते नदियों पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है।
सरकार लाख दावे करे लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण एवं प्राकृतिक स्रोत, नदी, तालाब, वन आदि की सुरक्षा करना एवं उनका संरक्षण करना होता है, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। दरअसल नगर परिषद सुल्तानपुर ने NGT विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नदी के किनारे को काटकर लगभग 31 दुकानें बनवा दी, और जिसमें प्रत्येक दुकान की कीमत 4 से 5 लाख रुपए के आसपास रखी है। चौथी और आखिरी खबर आ रही है रहली से।